हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पांच बड़े सुपरस्टार्स के बारे में जो आ सकते हैं WWE में इन 2020। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि WWE को जरूरत है बहुत बड़े स्टार्स की, क्योंकि अभी फिलहाल WWE के पास इतने बड़ी स्टार पावर नहीं है। इसलिए WWE को चाहिए होंगे बाहर के पांच बड़े नाम। तो वो पांच बड़े नाम कौन होंगे जो आएंगे या आ सकते हैं WWE इन 2022, उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है बुगी मैन। WWE के क्रीपी कैरेक्टर्स की लिस्ट देखी जाए ऑफ ऑल टाइम, तो उसमें बुगी मैन का नाम काफी ऊपर। आपको अगर पता होगा तो बुगी मैन लाइव वर्म्स खाते, पर हमने उनका अपीयरेंस इतने टाइम से देखा नहीं है। बट इट सीम्स लाइक बुगी मैन का रिटर्न अप होने वाला है। बुगी मैन ने छोटे मोटे अपीयरेंसेस किए थे WWE में, लाइक रॉयल रंबल, लाइक ऑन रॉ और स्मैकडाउन फॉर अ स्मॉल सेगमेंट। बट उसके अलावा बुगी मैन किसी बड़ी फ्यूड के लिए या फिर मैच के लिए नहीं थे। बट अभी लगता है कि बुगी मैन का मैच या फिर फ्यूड हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि बुगी मैन का जो ट्विटर हैंडल है, बुगी मैन का रियल नाम है मार्टिन राइट, और उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जहां पर WWE से मिला हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर रहे हैं। और वहां पर वो कैप्शन लिखते हैं कि थैंक यू CEO/WWE विंस मैकमैन। बुगी मैन ने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, और वो एक लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से ज्वाइन हो चुके हैं WWE से। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या विंस मैकमैन उन्हें यूज करते हैं किसी के साथ फ्यूड करने के, या फिर इवन एज अ मैनेजर जस्ट लाइक MVP। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर हमें बुगी मैन दिखते हैं रॉ या फिर स्मैकडाउन में। तो बुगी मैन की फर्स्ट फ्यूड अगर होती है इन WWE, तो आप उसकी फ्यूड किसके साथ देखना चाहेंगे ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नंबर 4 पर है RVD। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि RVD है हमारे हॉल ऑफ फेमर, और सारे RVD के फैंस उन्हें देखना चाहते हैं इन WWE। और दोस्तों, रिसेंटली RVD के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, और वो अपडेट ये है, RVD ने कहा था WWE को कि वो अवेलेबल है, और अगर उन्हें रॉयल रंबल में उनकी ज़रूरत है तो वो रेडी है। तो WWE ने RVD को स्टैंड बाय पर रखा था, और RVD जो थे उन्होंने अपना ब्रांड न्यू आउटफिट भी निकाला था। पर WWE ने RVD को कॉल नहीं किया है, बट RVD ये दावा करते हैं कि उनका रिटर्न बहुत जल्द हो सकता है, और वो किसी भी कंपनी में जाने के लिए रेडी है, बट मोस्टली वो प्रेफर करेंगे WWE। तो दोस्तों, इस अपडेट से तो यही पता चलता है कि RVD का रिटर्न भी हमें बहुत जल्द देखने मिल सकता है इन WWE, अगर WWE ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया तो। अगर RVD वापस आते हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि विंस मैकमैन उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करे और उन्हें काफ़ी अच्छी फ्यूड्स दे एंड इवन चैंपियनशिप। सो लेट्स सी क्या RVD आते हैं WWE में इस साल या फिर नहीं। और दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारे नंबर 3 पोजीशन पर, वो ब्रॉन स्ट्रोमैन। अब दोस्तों, बात करें ब्रॉन स्ट्रोमैन की, या फिर टाइटन, या फिर एडम शेयर, आप क्या, ये बंदा WWE से काफ़ी लगाव रखता, और जब भी WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिलीज कर दिया तभी सब लोग शॉक हो गए थे कि जो बंदा आपसे इतना लॉयल है उनको आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर चाहिए तो वो जा सकते थे AEW में कम्पीट करने के लिए, बट उन्होंने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। इंस्टेड वो गए ROH में, और वहाँ पर एक फैक्शन बनाए विद EC3 एंड वेस्टिन ब्लेक, जिसका नाम कंट्रोल योर नरेट। और आपको जैसे पता है कि WWE भी चाह रहे थे कि वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को लाए इन WWE, पर ये पॉसिबल नहीं हुआ इन 2021। बट ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी इतने लंबे टाइम का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर साइन नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आइदर WWE उन्हें बुलाएंगे वापस, या फिर वो खुद कॉन्टैक्ट करेंगे WWE को कि उन्हें आना है वापस उनके कंपनी। और वैसे भी दोस्तों, WWE के साथ काफ़ी लॉयल थे ब्रॉन स्ट्रोमैन, और एक मेगा स्टार भी थे WWE के, तो फिर WWE उन्हें साइन कर सकते हैं वापस इस साल, और बुला सकते हैं द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमैन। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉ पे एंड अप होते हैं या फिर स्मैकडाउन में, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं इन 2022, तो आप उनकी फ्यूड किसके साथ देखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारी लिस्ट पे है नंबर 2 पर, वो है द फीन्ड ब्रे वाइट।
द फिंड ब्रे वाइट के सारे फैंस उनको मिस कर रहे हैं WWE में। अभी रिसेंटली ही ब्रे वाइट की कुछ पिक्चर्स लीक हुई और उसमें वो काफी इनक्रेडिबल लग रहे हैं। अगर ब्रे वाइट भी चाहते तो वो साइन कर सकते थे इजीली AEW के साथ या फिर किसी और कंपनी के, पर ब्रे वाइट ने ये सोचा कि वो रेसलिंग करियर को थोड़ा सा म्यूट पर रख। इसलिए दोस्तों ब्रे वाइट ने कोई भी कंपनी के साथ साइन नहीं किया है। अगर वो चाहते तो AEW में भी साइन कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया, जस्ट लाइक ब्रॉन स्ट्रोमन, क्योंकि ब्रे वाइट को भी पता है कि आज नहीं तो कल उन्हें जाना ही है WWE में, जस्ट लाइक ब्रॉन स्ट्रोमन। एंड इवन दोस्तों विंस रूसो ने भी ये कहा है कि WWE ज्यादा रिलाई नहीं रह सकते गोल्डबर्ग एंड इवन रोंडा राउजी पर, इसलिए उन्हें चाहिए होगा कि वो वापस बुलाए ब्रॉन स्ट्रोमन को एंड इवन ब्रे वाइट को। तो दोस्तों देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या द फीड ब्रे वाइट इस साल वापस आते हैं WWE में, क्या WWE मैनेज करते हैं ब्रे वाइट को साइन करना उनके कंपनी में और उन्हें अच्छी बुकिंग दे, या फिर मेरे हिसाब से इस साल ब्रे वाइट को साइन कर लेगी WWE, क्योंकि उनके पास कोई और चारा है ही नहीं, उनके पास स्टार पावर कोई ज़्यादा है नहीं और वो इसमें एफोर्ड नहीं कर सकते कि ब्रे वाइट को वो साइन ना करे। और अगर ब्रे वाइट आते हैं तो उनके हमें बहुत बड़ी बड़ी फ्यूड देखने मिल सकती है। रोमन रेंस के साथ तो फीड ने एक भी 1-on-1 मैच नहीं लड़ा है, तो वो मैच भी ड्यू, और बहुत सारे ड्रीम मैचेस ड्यू है द फीड कैरेक्टर। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ब्रे वाइट द फीड आते हैं WWE में 2022 या फिर नहीं। सबको ये लगा था कि आज के AEW डायनामाइट में मे भी वो डेब्यू करेंगे, क्योंकि टोनी खान इतना हाइप कर रहा था कि आज बहुत बड़ा डेब्यू होने वाला है, पर खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला सीन हो गया है और डेब्यू किया कीत ली ने। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रे वाइट ने नहीं किया है डेब्यू, इसका मतलब तो साफ साफ लगता है कि WWE आज नहीं तो कल साइन कर लेंगे ब्रे वाइट को, और इवन ब्रे वाइट को भी WWE में ही जाना है, क्योंकि WWE बिग लीग्स है, उन्हें भी ये पता है। अगर दोस्तों ब्रे वाइट आते हैं WWE में तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो अपने पुराने मास्क के साथ ही आते हैं या फिर WWE उन्हें एक न्यू मास्क देती है। मैं पर्सनली तो ये चाहता हूँ कि वो एक न्यू मास्क पहन कर आए ताकि वो और भी ज़्यादा स्कैरी लगे। सो लेट्स सी क्या होता है 2022। और अगर ब्रे वाइट आते हैं तो आप उन्हें कौन से ब्रांड में देखना चाहेंगे, रॉ या फिर स्मैकडाउन, और आप उनकी फर्स्ट फ्यूड किसके साथ देखना चाहेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड नंबर 1 इज जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस। अगर आपको जानना है कि जॉन मॉक्सली की पूरी स्टोरी क्या है तो हमने एक वीडियो बनाई है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों जॉन मॉक्सली के रिटर्न के इन 2022, तो वो काफ़ी पॉसिबल है, क्योंकि जॉन मॉक्सली के कॉन्ट्रैक्ट में बस 4 महीने बाकी, तो फिर मई मंथ या फिर जून मंथ में वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीव हो जाएंगे और उसके बाद फिर WWE कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली को और उन्हें साइन करने की कोशिश कर सकती है। और विंस मैकमैन जो है उनके पास कन्विंसिंग पावर काफ़ी अच्छी है, जितने भी रेसलर्स थे उनके साथ बैड ब्लड था विंस का, विंस ने उनको कैसे भी करके कन्विंस करके बैड ब्लड खत्म कर दिया और उन्हें अपने कंपनी में बुला लिया वापस। तो वैसे ही सीन हमें डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली के साथ देखने मिल सकता है। और वैसे भी रोमन रेंस को कोई भी चैलेंजर है ही नहीं अगर वो रेसलमेनिया में रिटेन करते हैं, तो जॉन मॉक्सली को लाया जा सकता है फ्रॉम AEW जब उनका कॉन्ट्रैक्ट वहां पर खत्म होगा, और फिर वो फेस कर सकते हैं रोमन रेंस को एट SummerSlam या फिर किसी बड़े पेपर व्यू। और इस बार जब जॉन मॉक्सली आएंगे कंपनी में तो जॉन मॉक्सली को काफी तगड़ा वाला पुश मिलेगा। WWE पहले जैसी गलती नहीं करेंगे उनको पुश ना देकर। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या 2022 में जॉन मॉक्सली आते हैं इन द कंपनी या फिर नहीं। और अगर जॉन मॉक्सली आते हैं WWE में 2022 तो क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे रॉ में या फिर आप उन्हें देखना चाहेंगे स्मैकडाउन। और साथ ही साथ मुझे ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर जॉन मॉक्सली आते हैं कंपनी में तो आप उनकी फर्स्ट फ्यूड किसके साथ देखना पसंद करेंगे। मेरी माने तो मैं उनकी फ्यूड रोमन के साथ ही देखना पसंद करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। आप जॉन मॉक्सली की कौन सी फर्स्ट फ्यूड देखना चाहेंगे ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 रेसलर्स जो कि आ सकते हैं WWE में इन 2022। लेट्स सी क्या विंस साइन करते हैं इन 5ों को या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये 5 आ गए WWE में तो काफी तबाही मच जाए, क्योंकि फैंस को देखना है कि ये 5 रेसलर्स कम्पीट करें इन अ WWE रिंग। सो लेट्स सी क्या होता है विंस का डिसीजन और क्या हमें ये देखने मिलते हैं इन अ फ्यूड या फिर इन अ। तो दोस्तों
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगे हमारे वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए आपको कैसे लगे हमारे ये 5 पिक्स एंड सेकंड, इन पांचों में से आप किसका रेटिंग देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।